राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज यहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास पद्मावती को कह रहे होते हैं कि आप महल लौट जाइए और उनका हाथ पकड़ कर उन्हें मार्ग दिखा रहे होते हैं और उन दोनों का पीछा वासुदेव का गुप्तचर कर रहा होता है, जहाँ पद्मावती थोड़े देर चलने के बाद वो अकेले महल के रास्ते पर निकल जाती हैं और श्रीनिवास एक ऊंची खाई में छलांग लगा देते हैं, जिसे देखकर गुप्तचर के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर जो भार्गवी हैं वो लेटे लेटे यही सोच रही होंगी कि आखिर उन्हें वो दुर्लभ पुष्प भिजवा कौन रहा है, और इधर श्रीनिवास को खाई में कूदता देख वो गुप्तचर जा कर के सीधा महल की ओर दौड़ेगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो वासुदेव है वो अपने पिता आकाश को आधी रात जगाएंगे और कहेंगे कि कुछ है ऐसा जो कि उनसे सुलझ नहीं रहा है, इसमें आपकी सहायता चाहिए। यहाँ पर राजा आकाश तैयार होकर रास्ते ही आते हैं। इधर उनका गुप्तचर आ जाता है और वासुदेव को जानकारी देता है कि श्री अब कभी लौट कर नहीं आएगा क्योंकि उसने खाई से कूद कर छलांग लगा दी है, अब तुम्हारा रास्ता एकदम साफ है। और जैसे ही राजा आकाश लौट कर आते हैं यहाँ पर कहता है वासुदेव की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है, अब आपकी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर के राजा आकाश बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और फिर दिखाया जाएगा कि पद्मावती सुबह तैयार हो रही होंगी श्रीनिवास से नृत्य सीखने के लिए, और यहाँ पर वासुदेव आएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम्हारा तैयार होना व्यर्थ है क्योंकि आज नहीं आने वाला है श्रीनिवास। और इधर गोविंद राज पूरी रात्रि वेट कर रहे होते हैं श्रीनिवास का और उन्हें पता चलता है कि वो रात को घर आए ही नहीं और उन्हें भी यहाँ पर टेंशन होने लगती है। यहाँ पद्मावती कहती है अपने भाई वासुदेव से कि वो अवश्य आएगा, उसने मुझे वादा किया है, वो मुझे नृत्य भी सिखाएगा। वासुदेव कहते हैं कि वो आ ही नहीं सकता, मैं तुमसे कह रहा हूँ व्यर्थ है तुम्हारी प्रतीक्षा, इसे छोड़ दो। दोनों में बहस चली रही होती है कि सामने से श्रीनिवास की एंट्री होती है और श्रीनिवास को देख कर के वासुदेव के होश उड़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और वो गुस्से में बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर फिर वो अपने गुप्तचरों को पकड़ कर सजा देते हैं और उन्हें कारागृह में डालकर उन्हें दंडित करते हैं कि आखिर उन्होंने झूठी खबर दी कैसे। और यहाँ पर श्रीनिवास पद्मावती को नृत्य सिखाना शुरू करते हैं और बहुत ही अद्भुत दृश्य आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इधर दिखाया जाएगा कि दिन के समय भार्गवी हट में जाएगी और वहां पर जाकर सभी व्यापारियों से पूछेगी कि क्या ये दुर्लभ पुष्प किसी ने आपके यहां से ख़रीदे हैं, क्या ये आपके यहां के दुर्लभ पुष्प हैं, और सभी लोग मना करते हुए नज़र आएंगे और कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ पुष्प हैं, हमारे पास नहीं है। और भार्गवी यही सोच कर परेशान होती रहेगी कि आखिर उन्हें ये पुष्प भेजे तो आखिर किसने भेजे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।